Hello everyone, welcome to All Vanik Smart Class. I am Ganesh, your reasoning mentor, will teach you every bit of reasoning. You must have idea about reasoning, as reasoning is very mark fetching topic for any kind of banking exams or like SSC, or it may be for any state related exams. So we will discuss very effective ways, tools and techniques of each and every topic from reasoning side. So very fast topic from reasoning side is none other than coding and decoding, and this is one of the most important topic from reasoning side, as because of 90% reasoning set is covered with coding and decoding, and there are various kinds of coding and decoding. We will go for it one by one and its best way. Here it is, 9 points from coding and decoding side. ये जो 9 पॉइंट्स है इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और वो पॉइंट्स कुछ इस प्रकार है: ऑर्डर बेस्ड कोडिंग सिस्टम, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग सिस्टम, नंबर 3 ऑपोजिट लेटर कोडिंग सिस्टम, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कोडिंग सिस्टम, पोजीशन बेस्ड कोडिंग सिस्टम, लेटर नंबर एंड सिंबल कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग टाइप 1, मिक्स्ड कोडिंग टाइप 2, सब्स्टिट्यूशन फॉर वर्ड्स कोडिंग सिस्टम। लगभग सारे कोडिंग एंड डिकोडिंग जितने सारे पैटर्न्स आए हुए हैं पिछले सब एग्ज़ाम में, उसको लेकर के ये बंच बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये इसी 9 पॉइंट में सीमित है, बट अगर हम देखें कोई भी क्वेश्चन को तो लगभग ये सब पॉइंट में से कहीं ना कहीं वो टच में आ जाएगा। तो सारे पॉइंट्स को हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल के सहित, और आपको एकदम ध्यान दे के इसको समझना है, ठीक है। हियर इट इज फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग साइड, ऑर्डर बेस्ड कोडिंग सिस्टम। ये जिस प्रकार से इसका डिजाइन हुआ है, ऑर्डर बेस्ड कोडिंग सिस्टम है, खुद ही आपका पहचान करा रहा है। इसका मतलब कोई भी लेटर्स, कोई भी रेफरेंस ऑर्डर को जंबल्ड करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। कोडिंग डिकोडिंग का क्या मतलब है, इसको पहले हमको क्लियर करना पड़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब यह है, अगर कोई भी रेफरेंस में से हमको लॉजिक निकाल के कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है उसी को कोडिंग डिकोडिंग बोला जाता है। आई रिपीट, टू फाइंड आउट अ रेफरेंस फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, देन अगेन यू हैव टू पुट दैट सेम लॉजिक टू फाइंड आउट अनदर क्वेश्चन। दिस इज द फंडामेंटल बिहाइंड कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। कुछ भी प्रोसेस को लेकर के हम कोडिंग डिकोडिंग बना सकते हैं, चाहे वो अल्फाबेट को लेकर के हो सकता है, चाहे वो नंबर को लेकर के हो सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो हमारे ब्रेन को भी लिमिट नहीं करना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के लिए, इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करके और शार्प करना है। हमको यहाँ पे फंडामेंटल का जो सारे टेक्निक्स चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो अगर एग्जाम्पल को देखा जाए तो फिर ऑर्डर बेस्ड कोडिंग सिस्टम के साइड से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। अगर हम इसको डिजाइन करेंगे कुछ इस प्रकार, सपोज बॉयज इज कोडेड एज, सपोज एस वाई बी ओ, मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन, बॉयज को हम इस प्रकार कोड किए और गर्ल को कोड करना है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द रेफरेंस फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, हियर इट इज द रेफरेंस। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। लेकिन ये पैटर्न को ही बोला जाता है ऑर्डर बेस्ड कोडिंग सिस्टम। इसका जो ऑर्डर है वो जंबल्ड हुआ है, ठीक है। सो यहां पे ध्यान देना चाहिए, 1, 2, 3, 4, इसको हम प्रोसेस और इसका फंडामेंटल दोनों एक साथ बता रहे हैं। इसका प्रोसेस हमको ये इजी लगता है नंबरिंग करने के बाद। एस इज नंबर 4, वाई इज नंबर 3, बी इज नंबर 1 and O is 2. It means what? There are 4 letters and this is a series 1, 2, 3, 4, now changed into 4, 3, 1, 2. और यहाँ पे हमारा कोई confusion नहीं है क्योंकि girl जो है वो भी 4 letter में ही designed हुआ है। इसका मतलब ये है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हमको करना है 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2 मतलब यहाँ पे L है 4, 3 is R, 1 is G and I is 2. दिस इज गर्ल। तो कहने का मतलब यह है, अगर ये छोटा एक शब्द दिया गया है, वर्ड दिया गया है, तो फिर इसको डिकोड करने में कोई दिक्कत नहीं है।
मान लीजिए एग्जाम में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं रहेगा हमारे साथ, ऐसा आपको बोल के नहीं दिया जाएगा कि ऑर्डर बेस्ड कोडिंग सिस्टम है और आपको इसी डिजाइन में मूव करना है, ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं रहेगा। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोलेगा इसका क्या है कोड। तो उस समय प्रैक्टिस ही हमारा जो सारे रिलेटेड प्रैक्टिस विल हेल्पफुल इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये अगर छोटा वर्ड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई भी एक वर्ड जो कि 10 लेटर्स प्लस है, 10 लेटर्स मान लीजिए, तो फिर वहां पे 1 से 10 को अगर हम जंबल्ड करेंगे और उसके बाद हमको दूसरा एक वर्ड दिया गया है जिसमें 10 लेटर है, तो फिर कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल थोड़ा मतलब एग्जाम हॉल में थोड़ा प्रेशर में आ जाता है। इसीलिए नंबरिंग करना ईजी है, डायरेक्टली सॉल्व करने से बेहतर है नंबरिंग कर देना और उसको आराम से सॉल्व करके एक मार्क ग्रैब करना, क्योंकि जल्दबाजी में गलत होता है और उसके बाद पेनल्टी जो है वो अल्टीमेटली आप पे आपके ऊपर इम्पोज हो जाता है। कट, हियर इट इज नंबर 2 पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग। और कोई भी पॉइंट अगर आपको लग रहा है हम जल्दी में बोल रहे हैं तो फिर यहाँ पे वीडियो क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में इसका व्यवस्था हो सकता है। इसका मतलब मान लीजिए कोई भी पॉइंट जो कि ऑफलाइन में नहीं हो सकता है, जनरली नहीं हो पाता है, अगर कोई भी डाउट आपके फैकल्टी टीचर जो भी आपको बोला है उसमें कोई भी डाउट रह गया है और उसको दोबारा पूछने में हिचकिचा होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले ये लगने लगता है कि यार इसको पूछा जाए या नहीं, लगता है ऐसा, लेकिन ये वीडियो क्लासेस में बढ़िया है, आप उसको बैकवर्ड करके देख सकते हैं कोई भी पॉइंट को और उसको नोट भी कर सकते हैं, ये सुविधा इसमें हो सकता है वीडियो क्लासेस में। तो ध्यान दे के समझिए, ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, इसका जिक्र हम करेंगे मिक्स्ड कोडिंग 2 में। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट का मतलब जो है यहाँ पे वो लिखा गया है उसी तरीके से और एक कोड को फॉर्मेशन कर दिया जाएगा और आपको वहाँ से लॉजिक निकालना है। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, मान लीजिए हार्ट को कोड कर दिया गया है $5*Q नहीं, यहां पे इसको हम हटा देंगे क्योंकि हमारे पास 5 लेटर है और यहां पे 5 लेटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हार्ट को कोड कर दिया गया है $5*Triangle। हमको जाना है अर्थ के लिए, देख सकते हैं इसका रेफरेंस जिस तरह से वो डिजाइन हुआ है, हर एक वो लेटर इसमें अर्थ में अवेलेबल है, हर एक वो लेटर, यहां पे H है और यहां पे H, यहां पे E है और यहां पे E, यहां पे A है और यहां पे A, R दिस इज ऑल्सो R, T दिस इज T। इसका मतलब यह है अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेट में किसी को सब्स्टिट्यूट किया गया है तो फिर हमको क्या करना है, उसी रेफरेंस में से जो लेटर्स राइट साइड में कोड किया गया है उसी को हम रेस्पेक्टिव ऑर्डर में लिख देंगे। इसका मतलब यह है वो सारे लेटर्स इसमें मौजूद है जो सारे लेटर्स क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमको लेना है डायरेक्ट लेटर्स पोजिशंस जो भी है राइट साइड में डिजाइन हुआ है उसी को हम ले लेंगे। इसका मतलब यह है एच का कोड हुआ है डॉलर तो एच के जगह हम डॉलर लिख देंगे, ई के जगह लिखा है यूरो और ई के जगह हम लिख देंगे यूरो, ए के जगह लिखा गया है 5 एम 5 लिख देंगे, आर में लिखा गया है स्टार और यहाँ पे स्टार लिख देंगे, और टी जो है बचा हुआ लास्ट ट्रायंगल और यहां पे है आंसर। आई रिपीट उसी चीज को हम और एक बार बोल रहे हैं, अगर कोई भी कोड उसी पॉइंट उसी रेफरेंस में से कोड करने के लिए बोला गया है तो फिर हमको रेस्पेक्टिव ऑर्डर में लेना है, इसी वजह से क्योंकि वो सारे लेटर्स इसमें अवेलेबल है। इफ द सेम लेटर्स इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द रेफरेंस वी कैन गो फॉर द डायरेक्ट आंसर विदाउट एनी हेजिटेशन एंड हियर इट इज द आंसर। मूविंग टुवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस सेगमेंट, सपोज हियर इट इज सब्स्टिट्यूशन, यहां पे दिया गया है कोई भी कोड कर दिया गया है, मान लीजिए इसको कोड कर दिया गया है राइट साइड में कुछ भी,
और हमको पूछा गया है ट्यूशन, टी यू टी आई ओ एन। मान लीजिए ये ट्यूशन का जो भी कोड राइट साइड में रहेगा उसी को हम यहां पे लिख देंगे। रीजन ये है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में ट्यूशन अवेलेबल है, एक ही रीजन है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ओवरऑल कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन सब्स्टिट्यूशन बेस्ड कोडिंग सिस्टम इज यू हैव टू डीकोड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइन दैट हैज ऑलरेडी गिवन एंड द रीजन इज द सेम लेटर्स आर अगेन अवेलेबल इन द क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन थर्ड, ऑपोजिट लेटर कोडिंग, पुट डबल मार्क ओवर हियर, डबल स्टार मार्क। दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर कोडिंग डिकोडिंग साइड बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मशीन इनपुट। हम बोलेंगे उस समय मशीन इनपुट में क्या इसका रिलेशन था, क्योंकि अल्फाबेट में अगर आपका ग्रिप एकदम से बढ़िया है, एकदम से अनकॉन्शियसली यू हैव टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स, ऑपोजिट क्या है, उसके राइट में क्या है, बैक में क्या है, ये सारे पोजिशंस वैल्यू फ्रॉम द राइट फ्रॉम द लेफ्ट, ये सारे जो है वो टेक्निकली अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो फिर लॉजिक फाइंड आउट करने में थोड़ा ईजी हो जाता है, चीजें थोड़ी हल्का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है ऑपोजिट का मतलब क्या है। हम यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख दिए हैं, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वही पुराना चीज जो है उसी को लिख दिया गया है, लेकिन इसको बताने के लिए हमको टेक्नोलॉजी मतलब कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल तो इसको देख लीजिए एक बार। अगर ए को लेकर के जेड तक हम लेफ्ट से राइट के लिए लिखेंगे और फिर अगेन फ्रॉम ए टू जेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब ये है वो अपने आप में एक एक कोड क्रिएट कर रहे हैं। देखिए ए जेड एक ऑपोजिट जेड है, बी ऑपोजिट वाई है और इसको लेकर के क्वेश्चन फॉर्मेशन कर दिया जाता है। ये सारे जो चीजें हम बता रहे हैं वो एक तरीके से टूल्स हैं, आपको समझना चाहिए। टूल्स का मतलब ये है छोटा छोटा टूल्स को लेकर के एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है। मान लीजिए आप डी आई पढ़ रहे हैं, कोई भी टीचर डी आई डायरेक्टली क्लास में जाके नहीं पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स का सारे जो चीजें हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये सारे जो फंडामेंटल्स हैं ये सबको जानने के बाद जाकर के डी आई का चर्चा होता है, क्योंकि डी आई में सब कुछ एक साथ पूछने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये सारे जो चीजें हम छोटा छोटा करके बता रहे हैं वो उस वो सबको मिला के एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना सकता है, तो इसीलिए इसको इग्नोर करके मत पढ़िए, इसको ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। ए से लेकर के जेड तक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस प्रकार हम लिख दिए हैं, ठीक है, और ए से लेकर के जेड तक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दे ऑल आर क्रिएटिंग कोड बिटवीन देम, सी इज ऑपोजिट टू एक्स, डी इज ऑपोजिट टू डब्ल्यू, ई इज ऑपोजिट टू वी, एफ इज यू, ऐसा करके हम याद नहीं रखेंगे, ना ही इसको लेकर के एग्जाम हॉल में टेबल के ऊपर लिख देंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। हम कुछ वर्ड डिस्कशन करेंगे इसको ध्यान रखने के लिए, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए एक एग्जाम्पल तो फिर वो एग्जाम्पल का डिजाइन क्या है देख लीजिए। मान लीजिए हम यहां पे लिखे हैं कैट, कैट इज कोडेड एज एक्स जेड जी, ये तो सामने ही है, इसको जानने के लिए ज्यादा कुछ मतलब परेशानी नहीं है, क्योंकि सी का जो रिलेशन है वो एक्स में है, क्योंकि सी एक्स का ऑपोजिट है, सी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एक्स थर्ड फ्रॉम द राइट साइड, दैट्स व्हाई दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ए का रिलेशन जो है वो जेड में है, ए इज फास्ट फ्रॉम द लेफ्ट, जेड ऑफ कोर्स फास्ट फ्रॉम द राइट एंड, एंड हियर इट इज टी इज ऑपोजिट टू जी, ठीक है। तो यहां का जो रेफरेंस चल रहा है वो तो हमको मिल गया, हमको यहां पे जाना है रन। मान लीजिए सपोज वी हैव टू टेक वी हैव टू डिकोड रन, इजी है, क्या है इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं। सी का कोड जो है वो एक्स में है, इसका मतलब आर का कोड डिजाइन होना चाहिए, आर का ऑपोजिट क्या है देख लीजिए, आर का ऑपोजिट है आई, यहां पे हम आई लिख देंगे। यू का ऑपोजिट क्या है, यू का ऑपोजिट है एफ और यू का ऑपोजिट हम यहां पे एफ लिख देंगे। एन का ऑपोजिट ऑफकोर्स एम है और इसको हम चर्चा करेंगे, एम है, इसको कैसे याद रखेंगे इसको हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसका कुछ लिमिटेशंस है नहीं, किस पोजीशन में किसको ऑपोजिट कर दिया जाएगा, कहां पे इसको रखा जाएगा, वो सारे एक अनलिमिटेड थिंग्स हैं, वो जितना ब्रेन है उतना लॉजिक है, इसलिए वी कैन नॉट लिमिट इट आउट।
So we have to make ourselves expertise to crack the logics only. तो यहाँ पे हम जाएंगे इसका क्या टूल्स है और किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं थोड़ा देखिए। वो जो सारे ऑपोजिट्स थे उसको अगर हम कुछ वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना इजी हो जाएगा। देखिए ए जेड ए डी और ये सारे वर्ड्स जो है वो फ्रेंड्स आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी है। आपको कुछ नया करने के लिए सलाह नहीं दिया जा रहा, ये वर्ड आपके दिमाग में ऑलरेडी है, इसको सिर्फ और एक बार रिफ्रेश करने के लिए बोला जा रहा है ताकि हम वो सारे जो ऑपोजिट लेटर्स हैं उसको हम कैसे अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में इसको यूज कर सकते हैं, यही इंटेंशन है, बाकी कुछ नहीं है। ए ऑपोजिट इज जेड एंड यू हैव टू नोट इट डाउन ऑल दिस वर्ड्स, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार रिफ्रेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे लिख रहे हैं हम देखिए, ए और जेड जो है ऑपोजिट है और वो दोनों कैपिटल लेटर में लिखा गया है, ठीक है? आई रिपीट, बोथ आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स एंड नाउ बी इज ऑपोजिट टू वाई सो आई हैव पिक द वर्ड बॉय। कितना ईजी है बताइए, बॉय जो वर्ड है वो हमारे दिमाग में ऑलरेडी है, काफी हम यूज कर चुके हैं वर्ड को और अभी इस वर्ड को कुछ पर्पस में यूज किया जा रहा है। बी इज ऑपोजिट टू वाई एंड वाई इज ऑपोजिट टू बी, देन सी सी आर यू एक्स क्रॉक्स, सी इज ऑपोजिट टू एक्स एंड एक्स इज ऑपोजिट टू सी। अगर आपको क्रॉक्स का जो वर्ड है वो टफ लग रहा है तो फिर यू कैन पिक एनी अदर वर्ड, बट बोथ आर शुड बी देयर, इट मींस सी एंड एक्स शुड बी देयर इन दैट वर्ड अनलेस दैट वर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रिक्स। सी डी ई ड्यू, माउंटेन ड्यू, ड्यू डी इज ऑपोजिट टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज ऑपोजिट टू डी, देन ई evil returns, evil spirit you can say. Here it is, E is opposite to V and V is opposite to E. This was very silly techniques है बॉय, मुझे अच्छा लगा ये। मेरा जो सर थे वो इसको हमको बताए थे ताकि कोई भी वर्ड अगर आपके दिमाग में है उसको आप यूज कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पे F ले लेंगे, F E F F U L L full. F is opposite to U and U is opposite to F. E F G T road. I have picked GT road, you can pick any other one, but that should be consisted of G and T as because of we need to make them opposite. हमारा अलग सा कुछ इंतजाम नहीं है, मतलब हम ये बोल रहे हैं हम यहाँ पे अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, हमको चाहिए वो दोनों opposite होना चाहिए, इसीलिए हम Grand Trunk Road जो है उसको pick किए हैं। G E F G then H, High School. और यहां पे ऑपोजिट हो चुके हैं बिल्कुल से, एच एस दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एच एस हाई स्कूल इज अ फ्रेज फ्रॉम हाई स्कूल, ये कुछ नया चीज नहीं है, हाई स्कूल से हम एच और एस को ऑपोजिट ले सकते। इसका इंपोर्टेंस आपको रियलाइज होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी इसका इंपोर्टेंस रियलाइज नहीं होगा क्योंकि हम डायरेक्टली बता रहे हैं। जब ये चीजें एग्जाम में और कोई क्वेश्चन में यूज होगा तब जाकर के इसका इंपोर्टेंस आपको रियलाइज होगा। High school, G H I. Here it is, friends. Indian Railway. Indian Railway. I is opposite to R and R is opposite to I. और Indian Railway हमारे लिए कुछ नया चीज नहीं है। G H I J, Jungle Queen. J is opposite to Q and Q is opposite to J. अगर ये एकदम से आपके दिमाग में रह गया तो फिर ये वर्ड भी कहीं ना कहीं आपको अननेसेसरी लगने लगेगा, लेकिन हम बिगनर हैं इसीलिए कुछ ट्रिक्स ये सबका हम हेल्प ले रहे हैं। जी एच आई जे के, हियर इट इज आई हैव पिक्ड केविन पीटरसन, दैट पर्सन इज माय फेवरेट बैट्समैन फ्रॉम इंग्लैंड साइड, इंग्लैंड क्रिकेट टीम, लेकिन आप कुछ दूसरा भी ले सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं है के पी मतलब केविन पीटरसन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है।
तो आप यहां पे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन के पी वहां पे रहना चाहिए। क्रूनल पांड्या ले लीजिए, किरण पोलार्ड ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। फिल्म का नाम है पीके, वो भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अल्टीमेट इंटेंशन इज टू मेक पी एंड के बोथ मस्ट बी देयर, अदरवाइज दिस पॉइंट इज जस्ट इनवैलिड। जे के एल, ये दुनिया का सबसे इजी वर्ड है, लव आप सबको पता होगा। एल ओ, एल इज ऑपोजिट टू ओ, ओ इज ऑपोजिट टू एल, वेरी सिंपल वर्ड दिस इज। एंड लास्ट वन इज फ्रेंड्स मैन। ये सारे जो चीजें यहां पे आए हैं वो सारे हमको हेल्प करेंगे ऑपोजिट लेटर को डिटेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल यहां पे ले लेंगे और इसको यूज करेंगे और खत्म करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम प्लान करेंगे। यहां पे सपोज हम लिख लिए हैं रूल, ठीक है, रूल हम डिजाइन किए हैं VOFI, then you have to go for suppose pull, that may be a meaningful word, that may not be। ए रीजनिंग में ये ढूंढना जरूरी नहीं है सर, पुल ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, नहीं हमको भी पता है लेकिन हम इंटेंशनली दिए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रामर सही होना चाहिए रीजनिंग में, ओके। अल्टीमेट इंटेंशन इज टू फाइंड आउट द लॉजिक। यहां पे हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रामर चेक करना जरूरी है, हैंड राइटिंग चेक करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हो सकता है ऐसा वर्ड कुछ नहीं है लेकिन हम यहां पे लिख लिए। तो लॉजिक यहां पे ढूंढना चाहिए, आर का रिलेशन जो है वो आई में है, इंडियन रेलवे मुझे दिखाई दे रहा है, एविल स्पिरिट, अगर ये सारे वर्ड्स मेरे साथ हैं तो फिर हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। लव एंड फूल वो सारे ऐसे क्रिस क्रॉस होकर के डिजाइन हुआ है। सो पी केविन पीटरसन, एविल स्पिरिट, यहां पे लव, यहां पे फूल, आंसर आ गया वी ओ एफ के। और ये सारे जो कहानी है वो ऑपोजिट लेटर के लिए था। ऑपोजिट लेटर आपको मार्क करना है और इसका जिक्र हम मशीन इनपुट में भी करेंगे। और ये सारे वर्ड्स आज आपको ध्यान रखना है कैसे भी करके, इसको बिल्कुल से कैजुअल नहीं लेना है, इसको हम कैसे भी करके दिमाग में स्टोर करना है, वो पहले से है, इसको और एक बार जस्ट रिफ्रेश करना है। नोट कर लीजिए इसको, नहीं तो फिर एक फोटो रख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स हमको हेल्प करेंगे ऑपोजिट लेटर कोडिंग सिस्टम और ऑपोजिट का सेंस जो है वो डिटरमिन करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट ऑपोजिट लेटर कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कोडिंग सिस्टम, यू कैन सी ओवर हियर। एंड अगेन फ्रेंड्स पुट अ स्टार मार दे, ये इम्पोर्टेंट है सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग के लिए नहीं, ये दूसरा कोई टॉपिक को लिंक कर रहा है इसीलिए हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सब है लेकिन इसका जो डायमेंशन है वो कुछ ज़्यादा है, इसका लिमिटेशंस भी नहीं है। क्या लिमिटेशंस है? फॉरवर्ड बैकवर्ड बोल दिया गया है, हम ए से लेकर के जेड तक फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, उसके बाद जेड के बाद भी ए फिर से रोटेट हो सकता है, इसका कुछ भी लिमिटेशंस नहीं है, इसीलिए हम इसको इम्पोर्टेंट बोलते हैं। और इसका लिंक कहीं ना कहीं मिक्स कोडिंग टू मशीन इनपुट यहाँ पे है, ठीक है, इसीलिए हम ऐसे बोल रहे हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कोडिंग सिस्टम जो है वो अपने आप में मेंशन कर रहा है इसका लॉजिक क्या हो सकता है, मतलब कोई भी रेफरेंस में लेटर को आगे जा करके दूसरा कोई लेटर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और नहीं तो फिर बैकवर्ड करके हो सकता है एक ही क्वेश्चन में, दैट कैन बी हैपेंड अ सिंगल क्वेश्चन हैविंग डबल लॉजिक। इट मीन्स सम ऑफ द लेटर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट और फॉरवर्ड, और सम ऑफ द लेटर मूविंग टुवर्ड्स बैकवर्ड, और ऐसे मतलब बैकवर्ड करके जा करके वो लॉजिक फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमको लेकिन ध्यान देना है वहां पे क्या चल रहा है। ऐसा कुछ एग्जांपल मेरे साथ है, फिर यहां पे सपोज मान लीजिए लिखा गया है प्रॉपर इज कोडेड एज ऐसा कुछ लॉजिक है, हमको निकालना है अमेरिका को डिकोड करना है।
पहला चीज़ ये तो है, इसको लॉजिक क्या है, इसका क्या चल रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, फिर हो सकता है वो मिक्स होके ऐसे पेयर फॉर्मेशन हो रहे हैं, हो भी सकता है, हो सकता है वो तीन तीन करके अलग अलग सा लॉजिक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो यहाँ पे हम पी से लेकर के आर तक अगर लॉजिक देख चेक करेंगे तो फिर हमको ये मिलेगा, पी का रिलेशन जो है वो आर के साथ है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फास्ट प्रायोरिटी जो है वो पहले लेफ्ट से राइट तक चेक करना है, उसके बाद अगर नहीं हुआ देन यू हैव टू प्लान फॉर एनी अदर वे, यू मस्ट हैव प्लान बी ऑलवेज। ऐसा अगर होगा तो फिर हमारे दिमाग में जो है वो अगर नहीं चलेगा फिर दूसरे के लिए हम प्लान कर सकते हैं। पी से लेकर के आर तक यहाँ पे एक का गैप चल रहा है, आर एस टी, ये हम खुद ही बना रहे हैं इस और व्हाइट बोर्ड में, तो फिर ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टफ है, हम एग्जाम्पल को यहाँ पे कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन लेकिन कोई भी हो सकता है, इसका कुछ लिमिटेशन नहीं है। ओ पी क्यू द गैप इज वन, पी क्यू आर अगेन गैप इज वन, ई एफ जी अगेन गैप इज वन, आर एस टी अगेन गैप इज वन। इसका मतलब ये हुआ हर एक पॉइंट में एक एक का गैप है, और ये ध्यान में रखना चाहिए, अगर एक का गैप है तो फिर दो गैप भी हो सकता है, अगर दो गैप है तीन भी हो सकता है, नंबर का कोई लिमिटेशंस नहीं है, लॉजिक का भी कोई लिमिटेशंस नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग को इतना शार्प करना है तो लॉजिक खुद ही जैसे पकड़ पाए बहुत ही कम समय में, और एक एक गैप में हम इसको लिखते जाएंगे, ए बी सी एम एन ओ ई एफ जी आर एस टी आई जे के सी डी ई ए बी सी, और यह है आंसर। इसको जंबल्ड करके भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए इसका कुछ लॉजिक अलग है और इसका लॉजिक अलग है और आर का कुछ लॉजिक जो है वो अलग है, हो भी सकता है, मान लीजिए यहाँ पे एक का गैप है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पाँच छः, ऐसे करके जा रहा है, यहाँ पे लेटर फॉर्मेशन जो है वो अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी लिमिटेशंस यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं है, ये सिर्फ हम आपको एक पैटर्न बता रहे हैं जो कि कोई भी क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये था फॉरवर्ड बैकवर्ड कोडिंग सिस्टम, ऐसे क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमको नया नया लॉजिक जो है वो दिमाग में चले, अल्टीमेटली प्रैक्टिस मैटर्स, और हम यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल का जो डिस्कशन कर रहे हैं, और इसके बाद का जो सेशन होगा उसमें इसी क्वेश्चन को रिलेट करते हुए जो भी क्वेश्चन सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे, कोई टिपिकल मैनर में सारे क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे, और वो सेशन रहेगा आपके साथ, यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल का डिस्कशन हो रहा है, ओके। हियर इट इज पॉइंट नंबर 5, पोजिशन बेस्ड कोडिंग सिस्टम, एंड यू कैन पुट डबल स्टार मार्क ओवर हियर अगेन, ठीक है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, वही मशीन इनपुट और मिक्स कोडिंग 2 के लिए, क्योंकि नंबर के साथ आप सभी को एकदम से एक्सपर्टाइज होना है, एक्सपर्टाइज का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है, Unconsciously you have to remember all the numbers from left to right and from right to left of all the alphabets from A to Z. यहाँ पे कुछ रेफरेंस के लिए हम कुछ बॉक्स बनाए हैं, आप इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी को लेकर के कोडिफिकेशन किया जा सकता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे बताने के लिए रेफरेंस के पर्पस में यहाँ पे लिखे हैं। A to Z सारे नंबर्स यहाँ पे हैं, A is 1, B is 2, C is 3, like up to Z is 26. And again, if A is considering from the right part, then A is 26. It means A from the left side is 20, A is 1 from the left side and A is 26 from the right side. यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन इसको हम याद नहीं रखेंगे, इसको हम टेक्निकली याद रखेंगे, कुछ भी ऐसा रेफरेंस बना के हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ देख लीजिए इसको लेकर के हम कोडिंग का जो एग्जाम्पल है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड, उसी पॉइंट में है हम लोग, कुछ नया नहीं है, लेकिन यहां पे देखिए किस तरह से हम आपको कोडिफिकेशन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मान लीजिए कैट को कोड कर दिया गया है 3, 1,
टू, आपको डिकोड करना है टाइगर के लिए, और यहां पे हम दो रेफरेंस दे रहे हैं। मान लीजिए हम आंट का रेफरेंस भी दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कैट इज कोडेड एज 312, एंट इज कोडेड एज 152, देन यू हैव टू गो फॉर टाइगर। तो इस रेफरेंस में से हमको निकालना है लॉजिक, विद द हेल्प ऑफ दैट सेम लॉजिक वी हैव टू डिकोड व्हाट, टाइगर। ओके, इसका कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, लिमिटेशंस हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि नंबर का कुछ अंत नहीं है तो लॉजिक का भी कुछ अंत नहीं है। तो इसलिए माइंड जितना शार्प रहेगा उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, कोई भी एग्जाम को लेकर के आपको ज़्यादा हिचकिचा नहीं होगा अगर नंबर का ग्रिप आपके साथ रहेगा तो। सो हर दिन आपको कहीं ना कहीं नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन में आपको इन्वॉल्व होना है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे अदर देन मैथमेटिक्स इन नंबर सिस्टम, वट एवर इट मे बी, बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल विथ नंबर्स फ्रेंड्स। ओके, सो लुक एट इट, C3, ये कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, C का पोजीशन 3 है तो हम यहां पे 3 लिखे हैं, A का जो पोजीशन है वो 1 है, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर T जो है उसको 2 बना देगा, T becomes 2, हाउ T becomes 2, T is neither from the left side is 2 nor from the right side is 2, so how T becomes 2, अगर हम देखेंगे T from the left side, जो बॉक्स हमारे था पहले उसमें T का पोजीशन लेफ्ट साइड से 20 ही है, सो अगर हम 20 मान लेंगे T को, नाउ फ्रेंड्स 20 becomes 2, इट means 20 becomes 2, हाउ, 2 plus 0 equal to 2, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 20, सर यू हैव टेकन द फास्ट डिजिट, इट मे बी, देर इज नथिंग एनी लिमिटेशन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। दूसरा एक एग्जाम्पल दिया गया है, दूसरा एक रेफरेंस दिया गया है, और यहां पे दोनों का रेफरेंस सेम होने के बाद जा करके हम टाइगर का डिकोड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। एंट को डिकोड बनाएंगे, ए का जो पोजिशन है वो 1 है, इसमें कुछ है नहीं, ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 1, एन को 5 लिखा गया है, सोचिए नाउ एन बिकम्स 5, हाउ, अगर हम ए से जेड तक काउंट करेंगे तो फिर एम एन इनका जो पोजीशन है वो इस प्रकार है, ए से लेकर के हम ऑपोजिट के बारे में चर्चा कर चुके हैं इसीलिए, और मैं नंबर सिस्टम नंबर का जो लॉजिक है वो ऑपोजिट के बाद रखा, मतलब उसका जो सीरियल नंबर है वो उससे पहले मैंने पढ़ा चुका हूं, जो ऑपोजिट है उसका सेंस हम यहां पे क्लियर करेंगे, वो क्यों मैंने नंबर सिस्टम से पहले उसको रखा था, पोजीशन बेस्ड कोडिंग सिस्टम से पहले रखा था। ए से अगर हम एम तक लिखेंगे फिर एन को लेकर के जेड तक लिखेंगे, यहां पे कुछ दुविधा नहीं है, वो सारे ऑपोजिट में है, लेकिन ये जो सीरीज है वो 13 में कंप्लीट हो रहे हैं और ये 14 से लेकर के खत्म हो रहा है 26 में, इसका मतलब ये जो बंच है ये 13 है और ये जो बंच है ये 13 है, 13 13, इट मेक्स 26, ये हुआ 13, ये स्टार्ट हुआ 14, इसका मतलब n इज 14। अब यहां पे आप देख सकते हैं वेदर आई हैव टेकन फास्ट डिजिट ऑफ द नंबर और दिस इज सम ऑफ द नंबर, दिस इज वेरी क्लियर सर, दिस इज सम ऑफ द नंबर एज बिकॉज ऑफ इन बोथ ऑफ द रेफरेंस दिस इज नॉट 1 बट दिस इज 5 एज बिकॉज ऑफ 14 इट मेक्स 5, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, इज दैट क्लियर। सो यहां पे हमारे पास टी भी है जो कि 20, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, ओके, सो टाइगर के पास हम चले जाएंगे। इसका लॉजिक कुल मिला के ये हुआ, हर एक अल्फाबेट जो कि नंबरिंग हुए हैं लेफ्ट से लेकर के राइट तक, उसके बाद अगर वो दो डिजिट नंबर में कन्वर्ट हुए हैं, इसका मतलब वो अगर जे के बाद जो भी नंबर हैं वो सारे 10, 11, 12 ऐसे करके 26 तक गया है, वो सारे डिजिट को सम करके यहां पे लिखा गया है।
ये सब हम इसीलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि आपका दिमाग जो है वो खुले थोड़ा, तो उसके बाद आप भी उसको रिसर्च कर सकते हैं, नहीं नहीं ये ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा ऑपरेशन के लिए आपके दिमाग जो है तैयार रहे, क्योंकि नंबर का कोई लिमिटेशन नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, नंबर इज अनलिमिटेड। कोई भी नंबर में एक ऐड कीजिए फिर दूसरा नंबर आपको मिल जाएगा, इसलिए नंबर का कुछ अंत नहीं है। और टी का जो कोड है हम यहाँ पे दो लिखेंगे, क्योंकि टी का पोजिशन वो है 20। अब आया डाउट, कैसे हम सारे अल्फाबेट्स को अनकॉन्शियसली यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मेरे पास कुछ छोटा सा ट्रिक है, उसको हम यूज कर रहे हैं। वो ट्रिक के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद टाइगर को डीकोड करेंगे, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका जो डायमेंशन है वो जाकर के पहुंचा है बाइनरी कन्वर्सन में। ऐसा एक क्वेश्चन कोई भी क्लरिकल एग्जाम में आया था, हो सकता है ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन में आपके सामने रखेंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको जरूर मैं यहां पे दिलाऊंगा। तो यहां पे टाइगर को डीकोड करने से पहले हम जाएंगे इसका ट्रिक के लिए, देखेंगे क्या है एक्चुअल में। ये बड़ा ही इजी ट्रिक है, काफी दिनों से चलता आ रहा है ये जो टी। हर वो शख्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे हैं वो सभी को ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक माल पट्टीस ही होगा। अगर आप लोग जा करके एग्जाम हॉल में कोई भी टेबल के ऊपर सारे अल्फाबेट लिख के उसका नंबरिंग कर देंगे, ये गलत है, गलत, ये सही नहीं है। एग्जाम हॉल में अगर कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट इन्विलेटर आपके सामने आ गया और उसके बारे में क्वेरी किया तो फिर आपका टाइम जो बर्बाद होगा, इसीलिए दिमाग तेज रहना चाहिए, वो सब सस्ता चीज नहीं करना चाहिए एग्जाम हॉल में। इजो टी जो है वो सारे अल्फाबेट का नंबर को तय कर रहा है, वो भी लेफ्ट से लेकर के राइट तक। हम बोलेंगे कैसे हम डिटेक्ट करेंगे राइट से लेकर के लेफ्ट तक। यहां पे ई हुआ 5, जे हुआ 10, ओ हुआ 15, टी हुआ 20 एंड वाई इज 25। ये 5-5 गैप होकर के 25 तक गया है। और इस टेबल में हम कोई भी अल्फाबेट को तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं लेफ्ट से राइट के लिए। मतलब मान लीजिए टी हाउ इट बिकम्स 20 एस, टी इज 20, एस कितना होगा 19 होगा, एस टी, ठीक है। और के का पोजीशन कितना होगा, अगर जे हुआ 10 तो फिर के हुआ 11, जे के। ये इजी है, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है और एक आध बार अगर यूज करेंगे क्वेश्चन को लेकर के तो फिर हो जाएगा ये इजी, इतना कुछ इसमें है नहीं। लेकिन ये छोटा छोटा ट्रिक जो है आपको बड़े ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपको हेल्प करेगा। ऐसा दिमाग में मत लीजिए सर अगर इजोटी हम याद रख लिए तो फिर कोडिंग डिकोडिंग हमारा हो जाएगा क्या, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। इजोटी अगर आपका हो गया तो फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग पूरा का पूरा आप कंप्लीट कर लेंगे, दिस इज टू मच इम्पॉसिबल। ऐसा कोई भी ट्रिक नहीं है जिसको जानने के बाद आप कोडिंग डिकोडिंग सब क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस मेक्स यू पीपल परफेक्ट। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जितना टेक्निक्स आपके पास रहेगा, जितना टूल्स आपके पास रहेगा, तो फिर वो आपको आगे लेकर के जाएगा। ये सारे जो पोजिशंस हैं वो हमको डिटेक्ट कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे चलेंगे। टी जो है वो 20 है और कुछ लेटर्स ऐसा भी है जो खुद ही आपका पहचान करा रहा है। मतलब देख लीजिए कितना इजी है, टी 20 मैच, ऐसे हम इसको यूज करते हैं, हमको इजी लगता है। टी 20 मैच, वेरी सिली, टी 20, हियर इट इज, जी इज 7, देखिए जी इटसेल्फ सेइंग आई एम 7। और यहां पे आई को शायद आपने ध्यान नहीं दिया, आई इज 9, नो प्रॉब्लम। और एच को थोड़ा ध्यान दीजिए, ये देखिए ये 8 के लिए जा रहा है, इतना ही है, बाकी आपको यहां से हेल्प मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो टी इज 20, हमको अगर डबल डिजिट का कोई भी नंबर मिलेगा तो फिर हम आपको ये यहां पे क्लियर किया था, इसको हम ऐड करके लिखेंगे। मतलब यू हैव टू कन्वर्टेड ऑल दोज डबल डिजिट नंबर इनटू सिंगल डिजिट। 2+0=2, आई इज 9, G is 7, E is 5,
and R as T, T is 20, R is 18. Okay, and 8 plus 1 equal to 9. Here it is 9. And this is your answer from which side? Cat side. Oh, sorry, from tiger side. तो इसका कुछ लिमिटेशंस नहीं है. ये लेफ्ट टू राइट के लिए गया है, हो सकता है ये राइट टू लेफ्ट हो सकता है, कॉन्सोनेंट के पोजीशन बेसिस में आपको पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको वाउल के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है. और बाइनरी के लिए हम चर्चा करेंगे क्या है बाइनरी, उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल के लिए चलेंगे. लेकिन यहाँ पे जो कंक्लूजन उभर कर आ रहा है वो ये है, आपको याद रखना है इजोटी. इजोटी के हिसाब से आपको सारे अल्फाबेट्स का जो पोजिशन है लेफ्ट टू राइट के लिए यू कैन इजिली रिमेंबर एंड यू कैन इजिली यूज इट इवन. हाँ, जब क्वेश्चन हम देंगे कितना अच्छे से आप यूज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कंफर्टेबल लगा तो. ध्यान दीजिए इसको. नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम चलेंगे और हमको जाना है काइट के लिए. सोचिए हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, सिर्फ पोजीशन में ये सीमित नहीं है, ये पी का कोड जो है वो के बना दिया गया है. सोचिए हाउ पी बिकम्स के, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑपोजिट लेटर्स. ठीक है, और यहां पे पी का कोड जो है वो के हो गया है, पी के, केविन पीटरसन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यू कैन चेक योर नोट. U becomes 3. How friends U becomes 3? वही लॉजिक हमने फिर से ऐड किया. U is 21 as because of T is 20 and U is 21. 2-1 becomes 3. हम सिर्फ धीरे 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 आगे जा रहे हैं. R का पोजिशन जो है वो 18 है. 18 का मतलब ये है, ये यहां पे ऐसे ही लिख दिया गया है, इसका मतलब ये है. और लास्ट का थोड़ा चेक कर लीजिए, ई जो है वो वी है, ऑपोजिट में है. फास्ट और लास्ट का जो लेटर है वो ऑपोजिट में रहेंगे और ये चार लेटर है, यहां पे भी चार लेटर है. ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने फेस किया कोई भी प्रैक्टिस सेट में, पहले तो हमको ये लगा कि दोनों जो है वो आड होके लिखा गया है, लेकिन वो कितना चालाक था देखिए. फास्ट लेटर जो है वो आड करके लिखा गया है अगर वो डबल डिजिट है तो. फिर सेकेंड जो है मतलब ये बीच का जो सेकेंड है वो अपने आप में लिख दिया गया है, मतलब जितना है उतना ही, उसमें कुछ एडिशन नहीं हुआ है, कुछ ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ है, डायरेक्टली लिख दिया गया है. तो वैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे, के का जो कोड है वो पी होगा, पी के पी, पी के, और ई का जो है वो वी होगा. और यहाँ पे फास्ट जो है वो ऐड होके लिखा जाएगा, यहाँ पे ऐड होने के लिए है नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 और टी का जो है वो लिख देंगे 20. सिली क्वेश्चन. मूविंग टुवर्ड्स अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पे गो का जो कोड है वो है 2012. पिन का जो कोड है वो लिखा गया है 111813. Then friends, you have to go for VIP. ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है. So यहां पे हमको ढूंढना है लॉजिक क्या है, कैसे ये सारे लेटर जो है नंबर में कन्वर्ट हो गया है. और यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये लेफ्ट से राइट के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम इंटेंशनली इसको राइट से लेफ्ट के लिए ही डिजाइन किए थे. इसका मतलब जी इज नॉट कनेक्टेड विथ 20. जी इज कनेक्टेड विथ 20 बट नॉट फ्रॉम द लेफ्ट साइड बट फ्रॉम द राइट साइड. जी बिकम्स 20 हाउ? हो सकता है आपके दिमाग में ये सब चल रहा है, सर जी इज 7 और 7 के साथ अगर हम 30 जोड़ेंगे तो फिर वो हो गया 20. और इसके बाद ओ है, ओ का पोजिशन कितना है? इजो टी इट्स 5, 10, दिस इज 5, 10, 15, 20 एंड 25. वट इज द पोजिशन वैल्यू ऑफ ओ?
इज 15, 15 के साथ अगर हम 13 जोड़ेंगे तो फिर ये 12 नहीं आ रहा। इसका मतलब वो जो ऑपरेशन जा रहा था एडिशन के हिसाब से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जी के लिए वो गलत है, आपको दूसरा कुछ प्लान करना पड़ेगा। दूसरा प्लान कुछ यह है, अगर जी को हम जेड से काउंट करेंगे तो फिर वो हो गया 20। कैसे होगा हम बताएंगे। छोटा सा यहां पे फॉर्मूला देखिए, जी का जो ऑपोजिट लेटर था वो कितना था, टी, जी टी रोड, जी टी रोड, जी फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज 7। अगर जी के लिए हम सोचेंगे राइट से तो जो पोजीशन वैल्यू उसका ऑपोजिट लेटर का है वही होगा, ये ध्यान में रहना चाहिए। जी इज ऑपोजिट टू टी, द सेम पोजीशन ऑफ टी फ्रॉम द लेफ्ट साइड विल बी द पोजीशन ऑफ जी फ्रॉम द राइट साइड। आई रिपीट, द पोजिशन ऑफ जी फ्रॉम द राइट साइड इज सेम एज द पोजिशन वैल्यू ऑफ द ऑपोजिट लेटर ऑफ जी फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अगर इसको और एक बार क्लियरली बोला जाए तो जो भी लेटर का ऑपोजिट लेटर है उसका पोजिशन वैल्यू लेफ्ट साइड से जो है उसको हम इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं जोटी से, वही सेम यहां पर आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है काफी इफेक्टिव है, आपको इसको यूज करने के बाद जाकर के ये दिमाग में रहेगा, ऐसे ही रट्टा मारेंगे तो नहीं होगा, ये इसको समझने के बाद यूज करना चाहिए, नहीं तो कुछ बच्चे इसको रैंकिंग के फॉर्मूला के हिसाब से क्वालिफाई करते हैं। इसका मतलब ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो फॉर्मूला मुझे ठीक भी नहीं लगता है क्योंकि जरूरी नहीं है। इसको वो करते हैं, मान लीजिए हमको जी राइट के लिए राइट से कितना पोजिशन वैल्यू होगा वो पूछा गया है, कुल मिला के कितना हुआ 26, और जी का जो पोजीशन लेफ्ट साइड से है वो है 7। ये रैंकिंग का फॉर्मूला है। अगर जस्ट बैक नंबर, जी का जो जस्ट बैक नंबर है वो है 6, अगर यहां से माइनस करेंगे तो फिर जी का जो ऑपोजिट पोजीशन वैल्यू है उसको वो डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल लगता है मुझे, ज्यादा कंफ्यूजन, अननेसेसरी टास्क। विदाउट यूजिंग अ पेपर पेन यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द नंबर फ्रॉम द राइट साइड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपोजिट। हमने बोला था वो ऑपोजिट का जो है उसका यूज यहाँ पे भी हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे इसको जिक्र करने के लिए कोई भी दुविधा नहीं हो रहा है क्योंकि इसको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे जी टी टी इज 20, दैट्स वाई द पोजिशन वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम द राइट साइड इज 20, हियर इट इज 20। O is opposite to L, love was the word, L is 12 from the left side, O is right from the right side is 12, here it is 12। और एक बार रेफरेंस दिया गया है उसी लॉजिक को कंफर्म करने के लिए, P का वैल्यू जो है वो है K, वो राइट साइड से लिखा गया है, इसका मतलब K का वैल्यू कितना है, J अगर 10 है तो फिर K हुआ 11, यहां पे 11 लिखा गया है। I is 9, I is opposite to R, Indian Railway, so I from the right side is of course 18 as because of R is 18, here it is 18. N from the previous value is 13 of course because is N को अगर count करेंगे left से तो 14 होगा, अगर हम Z से count करेंगे उसका turn जो है वो आएगा 13। इस हिसाब से हम इसके लिए चले जाएंगे, V का जो opposite letter है वो हुआ E, evil spirit, so the same value of E from the left side will be the code for V from the right side and it's very easy one and tricky one। I यहाँ पे तो already code हो चुका है, हम directly लिख देंगे, और P के लिए भी code हो चुका है, ये हुआ 11 और ये हुआ आपका answer। ये कुछ बहुत हमने discuss किए position value के लिए from the left towards right और from राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पे बाइनरी हमने ऐड किए थे, बाइनरी हम यहाँ पे हल्का सा कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन था और प्रीवियस क्वेश्चन अभी डिस्कशन करने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिस सेशन में सारे प्रीवियस क्वेश्चंस और कुछ टफ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बाइनरी का क्या लॉजिक था हम उसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स देख लीजिए क्या है,
इसी पोजीशन वैल्यू में वो जा रहा है क्योंकि उसमें नंबरिंग का जो नंबर जो है उसको यूज किया जा रहा है, इसलिए हम उसको पोजीशन वैल्यू में ऐड कर दिए, दूसरा पॉइंट हमने उसको ऐड नहीं किया। बाइनरी का सेंस ये है, कंप्यूटर में आप जो बाइनरी पढ़े थे वही यहाँ पे उसका लॉजिक है। आपको दिया रहेगा सपोज स्टार का कोड जो है वो हुआ 0, मान लीजिए हैश का कोड जो है वो हुआ 1। इसी दो लॉजिक को, इसी दो सिंबल को यूज करके आपको सारे नंबर को डीकोड करना है। मतलब अगर हम पूछेंगे 20 को आपको बाइनरी कन्वर्शन में यहां पे जो सिंबल है उसी हिसाब से डीकोड करना है। मान लीजिए इसको बाइनरी कन्वर्शन करने के लिए बहुत तरीका है, आपको कंप्यूटर फैकल्टी जो है वो आपको बताएंगे, इसका ज्ञान देंगे और क्या ट्रिक है, क्या उसका शॉर्ट ट्रिक है वो सारे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे वही ओल्ड ट्रेडिशन में जैसे स्कूल में आपको सिखाया गया था उसी हिसाब से अगर जाएंगे, फंडामेंटल जो पूरा एकदम बिगनर है उन लोगों के लिए इसको दो में इसको काटना चाहिए और जो बचेगा वो साइड में लिखते जाएंगे। यही है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन, 2 10s are 20, यहाँ पे बचा 0, 2 5s are 10 बचा 0, यहाँ पे 2 2s are 4 बचा 1। और एक बात, जब तक वो 1 और 0 में कन्वर्ट नहीं होते तब तक इसको काटते चले जाएंगे, 2 1s are 2 left 0। इसका मतलब इस प्रकार हम इसको लिखेंगे, 20 का जो बाइनरी कन्वर्शन है वो ये है 10100। इसका मतलब 20 को अगर बाइनरी कन्वर्शन करेंगे तो फिर हमको मिलेगा क्या, 0 के लिए हम लिखेंगे स्टार और 1 के लिए हम लिखेंगे हैशटैग। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, आप यहां पे एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं बाइनरी कन्वर्शन, लेकिन इसको हम और एक पॉइंट में नहीं लिए क्योंकि वही नंबर यूज हो रहा है, इसीलिए और ज्यादा नंबर सीरियल करेंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको ज्यादा हिचकिचाओगा, इसीलिए हम इसको 9-10 पॉइंट में से सीमित कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम चलते जाएंगे। वैसे ही अगर हम आपको पूछेंगे व्हाट विल बी द बाइनरी फॉर्मेशन एज पर द कोड सिस्टम ऑफ द नंबर 15, इजी है, 2 7s are 14 लेफ्ट 1, 2 3s are 6 लेफ्ट 1, 2 1s are 2 लेफ्ट 1, 4 times 1। इसका मतलब 4 times highest हो जाएगा आंसर और इसको लेकर के वो आपको ऑपरेशन पूछेंगे। इसका मतलब ये है ट्रिपल स्टार के साथ अगर हम डबल हैश को मल्टीप्लाई करेंगे तो, इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे यहां पे, इसका मतलब 000 जो है वो किसका, कोई डेसिमल नंबर का बाइनरी फॉर्मेशन है, इसको हम रिवर्स काउंट करके इसका डेसिमल नंबर काउंट करेंगे। इस हिसाब से 11 किसका है उसको हम काउंट करेंगे, ये एक एग्जांपल के पर्पस में हम बोल रहे हैं। इसका मतलब ये 11 हुआ, 11 किसका बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद, इसको जाकर के मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हुआ इसका फाइनल आंसर। ये बाइनरी कन्वर्सन का कुछ इंट्रोडक्शन था, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं किया जाता है, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शन है उसमें बाइनरी कहीं पर भी नहीं लिखा जाता, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है क्या वो 01 में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, 01 का जिक्र हो रहा है, अगर 01 का जिक्र हो रहा है तो फिर आपको ध्यान देना है वो बाइनरी के लिए ही पूछा जा रहा है। तो आपको बाइनरी कन्वर्सन और डेसिमल कन्वर्सन ये सारे जो है वो जानने के बाद अगर ये पॉइंट आएगा तो फिर कुछ सेंस है उसका, इसलिए हम इसको थोड़ा सा जो है इग्नोर करके आपको समझाए, मतलब इतना स्ट्रेस नहीं दिया इस पॉइंट में। आएगा प्रैक्टिस सेशन, उसमें हम ये क्वेश्चन आपको अच्छे से और बाइनरी कन्वर्सन का जो सारे शॉर्ट ट्रिक्स है उसको भी हम बता सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो नंबर को कनेक्ट कर रहे हैं इसीलिए हम इसको यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ओवरऑल पोजिशन बेस्ड कोडिंग सिस्टम From the left to right, we have already discussed. From the right to left, we have already discussed. Overall summation आपको समझना है, इसका जो calculation है उसका जो point है वो ये आ रहा है, आपको unconsciously सारे positions values of all the letters आपको memorize करना है कैसे भी करके।
so that it can be used further. Okay, this is all about position based coding system. Cut. Here it is point number 6, letter number and symbol coding. ये कुछ lengthy way में हमेशा पूछता है और एक question के लिए कभी नहीं पूछेगा ये. अगर ये question पूछेगा तो फिर कम से कम 3 questions होंगे ही. यहाँ पे कुछ theoretical चीजें रहेगा condition के नाम पे. आपको जाना है thoroughly वो condition में, उसके बाद जाना है table को और फिर क्या इसका logic है उसके बारे में हम discuss करेंगे. देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कंडीशन, इफ फर्स्ट डिजिट एज वेल एज लास्ट डिजिट इज ऑड देन बोथ विल बी कोडेड एज ए. इसको अच्छे से समझना है, जल्दबाजी नहीं करना है. अगर कोई भी कंडीशंस आपके दिमाग में गलत रीड हो गया, मान के चलिए एग्जाम हॉल में रिटर्न आना इट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि दिमाग फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है. इसको ध्यान रखना है. आई रिपीट, इन एग्जामिनेशन हॉल You cannot move back. तो जो भी करना है आपको सोच समझ के करना. इसको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है. If first digit as well as last digit is odd, then both will be coded as A. If first digit as well as last, ऐसे करके अगर पढ़ेंगे तो फिर टाइम चला जाएगा. हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना चाहिए. इस प्रकार क्वेश्चन में आपको जाना है डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर, मतलब जो 5 क्वेश्चन है उसके ऊपर जाना है. वो क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है. देखिए यह है क्वेश्चन, आपको नंबर रहेगा और इसको डीकोड करके आपको ऑप्शन में जाना है. यहां पे फिर से नंबर है, इसको डीकोड करके आपको ऑप्शन में जाना है, लेकिन वो कंडीशन को आपको फॉलो करना है. वो कंडीशन में हम फिर से जाएंगे और देखिए यह है. हम क्या बोल रहे थे, मान लीजिए यहां पे हम कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, 5 6 3 2 0 सपोज, मान लीजिए कोई भी ये मेरा क्वेश्चन है. इसको आपको डिकोड करना है. मैं पहले इसका जो स्टेटस है वो उसको चेक किया. पहले मुझे एक ऑड नंबर दिखाई दे रहा है और लास्ट में जीरो है. यहां पे ऐसा कुछ डिस्कशन है. देखिए इफ फर्स्ट डिजिट इज ऑड यहां पर लिखा गया है एंड लास्ट डिजिट इज इवन, जीरो इज नाइदर इवन नॉर ऑड. तो जीरो को हम यहां पे कंसिडर नहीं कर सकते और इसको अगर जीरो है तो फिर वो दूसरा लॉजिक में है. ये लास्ट डिजिट इवन नहीं है, देन इसका मतलब इस लॉजिक में वो नहीं है. अगर कोई लॉजिक में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आपको जाना है डायरेक्ट बॉक्स में और उसको डीकोड करना है विदाउट taking any chances. Don't move for any type of conditions because of कोई भी यहां पे follow नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए और एक बार odd number नहीं है लेकिन यहां पे एक condition इसको follow कर रहा है. ध्यान देना चाहिए था, if the number starts or end with zero, कोई भी number अगर जीरो स्टार्टिंग में है या फिर लास्ट में अगर है, देन जीरो विल बी कोडेड एज स्टार. व्हाट एवर द कोड ऑफ जीरो ओवर हियर यू हैव टू इग्नोर. ये कंडीशन में आ गया, तो इसको हम डीकोड करेंगे. फास्ट जो नंबर था ऑड नंबर, उसके लिए कोई भी लॉजिक क्वालिफाई नहीं किया. उसके बाद जीरो के लिए कुछ लॉजिक क्वालिफाई कर रहा है, उस हिसाब से हम मूव करेंगे. फाइव का कोड जो है बॉक्स में चले जाएंगे और यहां पर हमको मिला जेड. 6 का कोड जो है वो बी है और बी यहां पे लिख दिया. 3 का कोड जो है वो डॉलर है और डॉलर यहां पे लिख दिया. 2 का जो कोड है वो है वाई और वाई यहां पे लिख दिया. 0 का कोड, ध्यान दीजिए 0 का कोड पी तो है ही, लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से आपको जाना है स्टार, तब जाकर के आंसर होगा सही. अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग वन इफ विल पुट ओ एस पी. It will be wrong one. That's because of you have to go through conditions only, then only this is possible to go for correct answer. Moving towards another example, मान लीजिए हम यहां पर लिख लिए हैं 6 7 8 9 और 2. इसको हमको डिकोड करना है. ऐसा कुछ यहां पर कंडीशन है, बिल्कुल शायद है, मुझे लग रहा है
If first digit as well as last digit is odd, यहाँ पे तो है नहीं, okay. If first digit as well as last digit is even, देखिए, then both will be coded as zero. Then both will be coded as zero. इसका मतलब यह है 6 और 2 ये दोनों का कोड जो है वो जीरो हो जाएगा और बाकी का जो है वो एज पर द बॉक्स दिस इज m, 8 इज परसेंटाइल, 9 इज m परसेंट एंड दिस इज आंसर. कुल मिला के ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है जब तक आपको कंडीशन समझ में ना आए. अगर कंडीशन समझ में आ गया तो फिर ये क्वेश्चन हुआ इजी. और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंडीशन आप समझ गए और उसके बाद आपका आंसर गलत हुआ, ऐसा नहीं होगा. इजी है, इसको ध्यान दीजिए, मार्क फिचिंग है. ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर कभी भी इसको स्किप करके नहीं जाना है, इसको कैसे भी करके क्वालिफाई करना है. हाँ, एक आध बार हम देखे हैं ये सारे कंडीशंस को बहुत ज़्यादा टिपिकल बना दिया जाता है. यहाँ पे 5 हैं और भी ऐड कर सकते हैं हम जी एच, और यहाँ पे ऐसे कुछ ऐड कर देंगे जो कि 2 कंडीशन के सम को यहाँ पे लिख दिया जाएगा. लैंग्वेज का कोई लिमिटेशंस नहीं है. तो फिर यहाँ पे ध्यान देना है, कोई भी क्वेश्चन एक कंडीशन में क्वालिफाई हो जरूरी नहीं है. हो सकता है कोई भी एक क्वेश्चन 2 कंडीशंस अप्लाई हो रहा है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. हो सकता है 3 कंडीशंस एट ए टाइम उसके ऊपर क्वालिफाई हो रहा है, हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसीलिए हमको कंडीशन को अच्छे से समझना है और उसको एनालाइज करना है. फास्ट इसका प्रोसेस हम बता रहे हैं, पहले आपको क्वेश्चन में जाना है, उसके बाद कंडीशन, जो कंडीशन आपको कनेक्ट हुआ उसके हिसाब से आपको जाना है. अगर कंडीशन के हिसाब से वो नहीं आया तो फिर एज पर द बॉक्स यू हैव टू मूव. दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम पॉइंट नंबर 6, दैट वॉज लेटर नंबर एंड सिंबल कोडिंग. ओके.